जिस दिन मैं मौदाहा से वापस आई यानी कि 14th को, उसी दिन रात में आशु जा रही थी और ये जस जाने से पहले मेरी गोद में लेट के रो रही थी। हाय गाइस, सो यस, आशु चली गई है। मैं उसे नीचे, मैं और शोएब जो है उसे नीचे सी ऑफ करके आए। एयरपोर्ट जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी बिकॉज एवरी टाइम दैट आशु कम्स और वो कुछ समय के लिए यहाँ पे वक्त बिताती है, उसके बाद जब वो जा रही होती है तो वो भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और मैं भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ। हम दोनों का जो बॉन्ड ट्रेनिंग के वक्त से जुड़ा, तो शी हैज़ ऑलवेज बिन दैट बच्चा फॉर मी, यू नो, जिसको मैंने बहुत लाड दिया है और वो भी मुझे बहुत लाड देती है। गुड़गांव में ट्रेनिंग कर रहे थे उस वक्त, हम दोनों के पास पैसे बहुत कम हुआ करते थे, हमने वो वक्त साथ बिताया है, यू नो, वो हर रोज उठ के हम लोग अपने हाथ में कितना कैश है वो काउंट करते थे। हाँ, हम इतना लेके जाएंगे आशु, इतने का खाएंगे, इतने का आना जाना होगा, एंड दैट्स इट, यू नो, वील बी गुड। के बाद वो दूसरी एयरलाइन में चली गई, मैंने फ्लाइंग छोड़ दी, मैं यहाँ आ गई। नाउ इट्स बिन सो मेनी ईयर्स दैट शी इज स्टेइंग आउट ऑफ इंडिया, हम लोग बहुत कम मिलते हैं, आज हम 3 साल के बाद मिले हैं, लेकिन इट्स जस्ट सो स्पेशल, यू नो, कुछ बॉन्ड्स या कुछ रिश्ते जो आप जिंदगी में बनाते हो या कमाते हो, या शायद ऊपर वाला ये सोचता है कि आप इस लायक हो कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते आए जो आपके लिए भी अपना 200% देते हैं और आप भी उनके लिए 200% देते हैं। आई थिंक यही ज़िंदगी का सबसे प्राइसलेस गिफ्ट होता है हम सब के लिए, एंड आशु इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज गिफ्ट्स टू मी। वो जब आसपास होती है और फिर चली जाती है ना, तो घर बहुत सूना लगता है, बहुत ज़्यादा सूना लगता है। यस, सो हो गया है नेक्स्ट डे और मैं होके आ गई हूँ जिम। यस, मैंने आजकल ना कोशिश की है कि मैं मतलब ऑल्टरनेट डे हो पाता है, रोज़ नहीं हो पाता फिलहाल, लेकिन रोज़ की भी आदत डाल लूँगी कि मैं उठते ही जिम जाके आ जाती हूँ। सो आज भी मैंने वही किया है एंड बस अब मैं अपना जो ब्रेकफास्ट है वो लूंगी, और वो क्या है, वो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, चलिए वो आपको बताती हूँ। हाँ, मैं आज लूंगी ये है HK Vitals का प्रोटीन अप फॉर विमेन। मैंने और शोएब ने आप लोगों को हर बार बताया है कि अपनी वेल बीइंग के लिए, अपनी फिटनेस के लिए प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करना कितना ज्यादा जरूरी है, और उसका बेस्ट ऑप्शन होता है प्रोटीन शेक। एंड ये वाला जो प्रोटीन शेक है, ये स्पेशली डिजाइन किया गया है हम लेडीज के लिए। अक्सर हम लेडीज ये सोच लेते हैं कि अरे हमें इतनी प्रोटीन की क्या जरूरत है, पर ऐसा नहीं है। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन योर डाइट। नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो भी आपका बॉडी वेट है, जैसे मैं फिलहाल 61 हूँ, तो मुझे पर डे जो मेरा इनटेक होना चाहिए प्रोटीन का, दैट शुड बी 61 grams, मतलब 1 gram पर kg ऑफ योर बॉडी वेट। ये इतना टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन होता है अपनी डाइट में एक अच्छा प्रोटीन इंक्लूड करने के लिए। एंड HK Vitals का ये जो प्रोटीन है, ये एक स्कूप में आपको 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देता है। आप दिन में एक स्कूप या दो स्कूप ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपना प्रोटीन शेक कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले मैं लूंगी ये एप्पल, मैंने एप्पल कट किया है, ये हाफ एप्पल है। आप चाहें तो आप बनाना या जो भी फ्रूट आप इसमें ब्लेंड करना चाहते हैं, अगर स्ट्रॉबेरीज का मौसम है तो आप स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हो, आप व्हाटएवर यू लाइक यू कैन पुट दैट। मैं डाल रही हूँ हाफ एप्पल, और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ये सब कुछ पूरी तरह से अवॉइड भी कर सकते हो, यू कैन जस्ट हैव द प्रोटीन शेक इन कोल्ड वाटर। ये मैंने लिया है एक ग्लास ठंडा चिल्ड पानी, और अब हम डालेंगे इसमें एक स्कूप ऑफ प्रोटीन। तो हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट रेडी, और आपको पता है इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप ये प्रोटीन शेक पीते हो ना, ये अपने आप में इतना फिलिंग हो जाता है कि आपको काफी देर तक भूख नहीं लगती, आपको एकदम फुल फील होता है, तो हम जो चटर मटर मुंह में डाल लेते हैं उसकी जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। चलिए, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। इतना यम है ना ये। चलिए, मेरा ब्रेकफास्ट तो हो गया,
और ये इतना यमी है ना, तो इतना हेल्दी, उसके साथ साथ इतना टेस्टी, तो मुझे ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है. इनफैक्ट रिसेंटली आई केम अक्रॉस दिस प्रोडक्ट एंड इट्स जेन्युइनली वेरी इंप्रेसिव. और आपको पता है इसके अंदर है 60% ट्रिपल ब्लेंड ऑफ प्रोटीन, सोया एंड कोलाजिन, जो आपके अंदर के स्ट्रेंथ और स्टैमिना दोनों को बढ़ाता है. साथ ही साथ इसमें 100% RDA ऑफ बायोटिन एंड कोलाजिन है, जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए, क्योंकि बायोटिन आपके बालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. वो आपके बालों की ग्रोथ में, उनकी यू नो वेलबींग में, हेल्दी रखने में, सब में मदद करता है. प्लस हेयर फॉल भी रोकता है एंड रीग्रोथ भी प्रमोट करता है. कोलाजिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन, ये हम सब जानते हैं. फाइन लाइंस, रिंकल्स, एजिंग, सबको दूर करने के लिए कोलाजिन बहुत ज्यादा जरूरी है. और हाँ, इसमें वेट मैनेजमेंट के लिए गार्सिनिया एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स भी हैं. सो ये एक परफेक्ट सोल्यूशन है हम सभी इंडियन वुमेन के लिए. एक तो इतना डिलीशियस है, ऊपर से शुगर भी नहीं है, इतने ज्यादा फायदे हैं, और वो जो चॉकलेट फ्लेवर है ना इसका, वो बहुत ही ज्यादा यमी लगता है. तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है प्रोटीन इनटेक का आपकी बॉडी के लिए. आपको भी जरूर ट्राई करना चाहिए. जो परचेज लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. एंड परचेज करते वक्त मेरा कोड Deepika10 यूज करना ना भूलें फॉर 10% ऑफ. निकल गए मैं और आरती, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था अब रोज निकलना पड़ेगा, इतनी सारी ड्रेसेस बनवानी है, और एक साथ करूँ ना तो दिमाग काम नहीं करता. इसलिए आज हम निकले कुछ लेसेस वगैरह लेने के लिए. कल रिहान के काफी कुर्ते हो गए थे, वो आपने शोएब के व्लॉग में देखा होगा. सिर्फ हम उसका निकाल का बचा है, लगे हाथ शोएब के भी थोड़े ले लिए. दोनों ने एक रसम में ट्विनिंग करके भी बड़े चाव से लिया है, तो वो मुझे बड़ा अडोरेबल लगा. सो हम काफ़ी देर तक भगवान कलेक्शन में, फिर लेसेस की शॉप पे थे, और फिर बीच में थोड़ा ब्रेक लेने के लिए हम आए कुछ खाने के लिए. वहाँ मैं अपने रजिस्टर में नोट्स बना रही थी. यहाँ आओ और ये ना खाओ ऐसा नहीं हो सकता. और जिस दिन, जैसे मैंने पिछली बार हुआ था, जिस दिन बहुत काम होता है ना उस दिन, ये तो बनता है ऐसे फ्रेश फील करने के लिए. देखो मुझे काम नहीं आ रहा है. मैं काम कर रही हूँ साथ साथ में, ऐसे मैं बोलती हूँ कि मेरे साथ जो मेरे सारे पिलर्स हैं वो इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं. मैं काम कर रही हूँ तो आरती की मैं लेट ना हो इसे मुझे बना के मेरी प्लेट में रखती जा रही है. थैंक यू. हर साल में शूट भी करती जा रही है. इसमें से दिस इज डन, 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 दिस इज लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट. दो बजे तो ये आ गया मेरा अनियन टमेटो उत्तपम. एक्चुअली मेरी मम्मी की आदत लगी है, मैंने आपको कुछ ट्राई किया था. चलो अब ब्रेक, पहले गरम गरम खाते हैं, फिर दिमाग और काम करेंगे. खाने के बाद वापस भगवान कलेक्शन आए सामान पिकअप करने के लिए. तो लखनवी का मेरा जो प्यार है लखनवी के लिए, वो तो आप सब जानते ही हैं, तो मैं रुक गई. उन्होंने बोला कुछ मैम नए कलर्स आए हैं, तो मैं ने अपने लिए थोड़ी सी लखनवी की शॉपिंग कर ली. ये दे दो और एक ये ले लूँ क्या इंस्टेड ऑफ दिस? इसमें थोड़ा ज्यादा लूज अच्छा लगता है. ओके, सो फिर से निकल गई हूँ मैं घर से, और फिर से मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, क्योंकि आउटफिट्स मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि मैं सबके आउटफिट्स बनने डाल दूँ. क्योंकि जितनी जल्दी मैं बनने डालूंगी तो आई विल बी यू नो रिलैक्स्ड, कि फिर हम बाकी चीजें देख सकते हैं. जो जो भी पैकेजिंग का सामान है, हजार काम है, वो तो आपको पता ही होगा, मतलब सब के घर में होता ही है ये सब. सो मेरा रजिस्टर जो है वो काफी टिक टिक होता जा रहा है. मैंने ना हर किसी के नाम का एक पेज बना लिया है, तो मुझे पता, और हर किसी के मतलब सारे ओकेजंस भी लिस्ट बना ली है, तो जैसे कईयों का टिक 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 भरता जा रहा है विद एवरी डे दैट आई एम पासिंग, तो मुझे अच्छा लग रहा है. तो आज मैं फिर आपको लेके चलूंगी भगवान कलेक्शन, क्योंकि मैं वहीं से सारे आउटफिट्स के कपड़े मैक्सिमम उठा रही हूँ. वहाँ एक्चुअली मेरा प्लस पॉइंट क्या हो रहा है ना, कि एक तो मेरे लिए नज़दीक है. अगर मैं टाउन जाती हूँ तो बहुत वक्त लगता है, मतलब 2 घंटा वन वे, एंड वापस आते हुए जब ट्रैफिक मिलता है तो उस दिन तो हमें 3 घंटे वापस आने में लगे थे. तो इसीलिए मैं यहाँ जा रही हूँ. और यहाँ क्या हो रहा है, किसी ओकेजन के लिए मुझे थोड़ा सा लाइट चाहिए, तो वो भी मिल जा रहा है एक ही शॉप में, प्लस एक कम्फर्ट जोन भी है. तो चलिए वापस चलते हैं हमारे फेवरेट भगवान कलेक्शन. और फिर मैं आज आपको रात को घर चल के बताऊंगी कि कैसे मैंने ना ट्रांसपेरेंट पैकेट्स लिए हैं, और उनमें मैं हर किसी के नाम का कपड़ा, ओकेजन, स्टाइलिंग, लेस सब डालती जा रही हूँ, ताकि मुझे भी याद रहे, बिकॉज मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रही हूँ.
और जब मैं जमी भाई को देने जाऊं तो भी मुझे याद रहे सो। रोज जब गाड़ी में शुरुआत होती है तो प्लेलिस्ट पे सबसे पहला मेरा गाना यही है। गाना भी अच्छा है और जनाब की भी याद आ जाती है। आ गए बैक टू भगवान कलेक्शन। और यहाँ ना अप्पा जी और मेरी ट्यूनिंग इतने सालों में इतनी अच्छी जम गई है ना, मतलब उन्हें पता रहता है कि मुझे कैसा कपड़ा और क्या चीज़ पसंद आएगी। और ये वाला जो है ये वो मुझे एक दो दिन पहले से दिखा रहे थे कि मैम ये तो आप अपने लिए ही लो, ये बहुत अच्छा लगेगा आप पे। और वो इतने हक से बोलते ना तो मुझे बड़ा स्वीट लगता है। तो ये कपड़ा मैंने अपने लिए लिया है, कौन सी रस्म में पहनने के लिए और मैं इसे कैसा बनाऊँगी वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। नॉट टू फॉरगेट माई बिलव्ड रजिस्टर। जैसे जैसे मैं जिसका जिसका कपड़ा लेते जा रही हूँ वैसे वैसे मैं टिक भी करते जा रही हूँ और प्लस मुझे याद भी रहता है कि अब किसका किस रसम का और लेना है। मैं आई थिंक पिछले हफ्ते भर में मैं यहाँ मैक्सिमम आई हूँ और मैंने ये देखो ये सेक्शन देखा ही नहीं, तो मैं इनसे पूछूँ कि ये अभी आया है या मैं कल इधर नहीं आई थी, तो कह रहे कल आप नहीं आए बहुत समय से आया हुआ है। इसमें कोई कलर है? सेम डिज़ाइन है। ये फैब्रिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मतलब इसका अगर आप लहंगा बनाओ तो बहुत खूबसूरत लगेगा, पर ये सिल्वर में था और सिल्वर के साथ फिर ज्वेलरी में फंस जाते हैं इसलिए मैंने वो नहीं लिया। और यहाँ काफ़ी कुछ हो चुका था और इसलिए मैं बीच में अपने ही मन में कैलकुलेट कर रही थी कि अब किसका नेक्स्ट। कलर्स ख़त्म हो गए मेरे पास, मुझे दिल में काश कलर पैलेट पे रंग और होते। आज कलर कम पड़ रहे हैं। शॉपिंग के बाद में दो महीने दो महीने नहीं गारंटी नहीं देती मैं कभी भी कपड़ों के लिए आ सकती हूँ। ऐसा मत बोलिए हम लोग डर जाएंगे। कोई नहीं आपका ही फोन आ जाएगा मैम आ ही नहीं आ जाओ। हाँ ये सही है, मस्त कपड़ा है, पहले क्यों नहीं दिखा। बहुत सारे आउटफिट्स ले लिए, एक छोटे से ब्रेक की ज़रूरत थी ऑल्सो बिकॉज मैं वहाँ थी तो अभिषेक और धर्म दादा ने भी कुछ नहीं खाया था। क्या खाओगे ऑर्डर? क्या खाओगे ऑर्डर? आप करो पहले। आप तो करो सही। आप ऑर्डर करो। मैं तो वही पानी पूरी से स्टार्ट करूँगी। हम केयर शेयरिंग करते हैं। आज का आना बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहा है। मैंने सुकून सुकून से सब देख देख के ना अब मेरा हल्दी मॉर्निंग भी डन हो गया है सबका। सो बाहर बारिश हो रही थी इसलिए अप्पा जी ने कहा कि इस तरीके से ऊपर से पैक कर देते हैं ताकि कपड़े ख़राब ना हो। ये देखिए कितने ध्यान से और अच्छे से पैक करते हैं। हम भी चलते हैं घर। Yes, so हो गया है नेक्स्ट डे और कल मैंने घर पहुंचने के बाद कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। और जब आप इतने सारे कपड़े एक साथ खरीदो ना तो आपका माइंड थोड़ा सा ब्लैंक हो जाता है, तो इसीलिए मैंने कल आने के बाद कुछ मैं शूट नहीं कर पाई। लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस ब्लॉग के एंड में आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से सबके कपड़े जो डिज़ाइन कर रही हूँ वो एक साथ कैसे पैक करके रखती जा रही हूँ ताकि मुझे समझ में आए। बेसिकली मेरा आप सबसे ये शेयर करने का रीज़न ये होता है कि कल को अगर आप कुछ खुद से करना चाहें जो सबको करना चाहिए तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए कि इन सब चीज़ों को करके आपको और ज़्यादा यू नो क्लैरिटी रहेगी। सो देखिए मेरा रजिस्टर, इसको तो आप जानते ही हैं, अब तक बहुत अच्छे से इससे वाकिफ हो चुके हैं। तो मैंने हर स्टेज पे लिस्ट अलग 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 बनाई है और अब जैसे जैसे हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं ना वैसे वैसे मैंने हर किसी का देखिए एक पेज बनाया है। सो बेटी खाला वी नो ऑल डन एंड हमने हर रस्म की आउटफिट के आगे स्वॉचेस लगा दिए हैं तो इसलिए हमको पता है, ये देखिए यहाँ पे भी तो हमको पता रहेगा कि किस किस का कौन सा हो गया। कभी कभी ऐसे होता है कि आप
कंफ्यूज हो जाते हो. तो जब आप स्वॉचेस देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा हाँ हाँ इनका ये वाला है, हाँ हाँ इनका ये वाला है. अभी गिन चुन के ना सिर्फ शायद 4 या 5 आउटफिट्स बचे हैं सबका मिला के. सो आई एम वेरी हैप्पी. सो यस, अब मैं आपको बताऊं, जैसे ये देखिए, मैंने हर किसी के नाम का एक जंबो बैग बनाया हुआ है. ये मेरी मम्मी का जंबो बैग है, आप यहाँ देख सकते हैं. यहाँ मैंने लिखा है मम्मी ऑल डन, मतलब मम्मी सारे आउटफिट्स हो गए हैं. एंड यहाँ पे जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई उसमें मैंने हर आउटफिट के नीचे लिखा है कि हमको क्या क्या लेने की ज़रूरत है, मतलब कौन से आउटफिट के लिए लेसेस बची हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. हाँ ये देखिए, जैसे यहाँ पे है मेहंदी मॉर्निंग लेस फॉर दुपट्टा, तो यहाँ पे लेस फॉर दुपट्टा है. अब कोई है जो डाइंग के लिए गया हुआ है तो उसका भी मैंने नोट बना दिया है. कोई है जिसके लिए डाई के लिए कुछ देना है. सो जब आप एक सा चीज खरीदो तो शायद आप कुछ मिस कर जाओ, लेकिन आप घर पे सुकून से बैठ के जब पैकेट्स बना लेते हो ना तब नोट्स बनाना बहुत आसान हो जाता है. एंड नोट्स आर ऑलवेज हेल्पफुल व्हेन यू आर गोइंग टू द शॉप. सो देखिए, जैसे ये है, मैंने हर कपड़े को, हर आउटफिट के कपड़े को एक एक इस तरह से पैकेट में डाला हुआ है और वो सब में चिट्स बनाई हुई है. अब जैसे इस पे लिखा है मेहंदी मॉर्निंग मम्मी, तो मुझे पता है ये मम्मी का मेहंदी मॉर्निंग का है. एंड रजिस्टर में नोट्स बनाए हुए हैं कि इसका क्या क्या ड्यू है और पैटर्न क्या है, वो भी इसके पीछे की तरफ मैंने बनाया हुआ है, जो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी वरना आपको सब पता चल जाएगा, है ना. तो थोड़ा दिखाना थोड़ा छुपाना, उसी में तो मजा है. तो ऐसे ही ये है हल्दी बारात का, वगैरह वगैरह वगैरह. सो इस तरीके से काफ़ी सारी हेल्प हो गई है मुझे, क्योंकि मेरे पास हर किसी के नाम का एक पोटला रेडी है और मुझे पता है किसमें क्या कंप्लीट हो गया है और किसमें क्या बचा है. एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जो मैंने एम किया था ना कि मैं सितंबर एंड तक सारे आउटफिट्स फॉर स्टिचिंग डाल दूंगी, आई एम वेरी क्लोज टू दैट. मतलब 90% आउटफिट सबके जो हैं परचेज हो गए हैं, मेरा बचा है जो बहुत जल्दी हम खरीदेंगे, साथ में खरीदेंगे. सो यस, ये है. और अभी मैं रेडी तो हो गई हूँ, क्योंकि आज मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम के लिए निकलना है जो आपको बहुत जल्द देखने मिलेगा, मे बी नेक्स्ट व्लॉग में और मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे नहीं पता. सो यस, तब तक के लिए आप, आई होप आपको ये जो मैं सारी इन्फॉर्मेशन साथ साथ शेयर कर रही हूँ उससे ज़िंदगी में कभी कहीं थोड़ी सी हेल्प मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. एंड या अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत धमाल करना बाकी है और बहुत सारी तैयारियाँ भी साथ करना बाकी है ना. लव यू ऑल.